हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू डिश कॉर्नर। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी हरा चटनी रेसिपी। चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मैंने ली है आधी प्याज, दो हरी मिर्ची, दो लहसुन क्लोव्स, तीन लाल मिर्च साबुत, एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच सरसों सीड्स, एक टमाटर, दो बड़े चम्मच तेल और चार से पाँच कड़ी पत्ता। प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों को रफली चॉप कर लिया है। अब हम पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच तेल, उसमें हम ऐड कर देंगे प्याज, उसको एक मिनट के लिए पकाएंगे। फिर हम उसमें ऐड कर देंगे लहसुन, लहसुन को भी एक मिनट के लिए पकाएंगे। फिर हम उसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च, टमाटर और हरी मिर्चें, नमक और इनको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम आधा कप पानी डालकर टमाटरों को गला लेंगे। टमाटर गल गए हैं, अब हम फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने देंगे। इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ा चम्मच इमली पल्प, उसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम पैन में ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच तेल, उसको गरम करेंगे। गर्म होने के बाद उसमें ऐड कर देंगे सरसों सीड्स और करी पत्ता और जो हमारा पेस्ट हमने तैयार करा था उसे, बस इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम कर देंगे ऑफ। हमारा डोसा इडली चटनी तैयार हो गई है। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।